इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है कफ की प्रॉब्लम, बलगल की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पर हमारे घर में, सभी के घर में जो है अदरक तो रहता ही है, इसी के साथ ही तेज पत्ता तो सभी के घर में अवेलेबल होता है। बहुत ही ज़्यादा जो है गुणकारी होते हैं तेज पत्ता और अदरक, हमारी खांसी में, हमारे बलगम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी भी होते हैं। और इनमें जो है गर्माहट होती है वो नेचुरल होती है, जो हमारे शरीर के लिए चाहिए। और आज इस रेसिपी के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपकी बलगम होती है वो जमी ही रह जाती है, और ये जो रेसिपी आप देखेंगे और इसको एक बार बनाकर पियेंगे तो आपकी ये जो समस्या है इसका छुटकारा आपको 1 से 2 दिन में ही मिल जाएगा, और अंदर से ये बलगम को और खांसी को जो है निकाल के बाहर फेंक देगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो है अदरक ले लिया है और तेज पत्ता भी ले लिया है। अदरक को हम छील लेंगे और जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, 2 गिलास पानी लिया है और उसको जो है एक पैन में डाल दिया है। पानी को करेंगे थोड़ा सा पहले तो बॉयल, और पानी गर्म होने पर ही हम इसमें जो है अदरक और तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे जो है आपको सोने की समस्या से भी समाधान मिल जाता है। अगर आपको सोने की समस्या है और आपको नींद नहीं आ रही है तब भी आप जो है इसका पानी पी सकते हैं और सोने की समस्या से निजात पा सकते हैं। आज हम बता रहे हैं बलगम को एकदम से बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तेज पत्ता, उसको तोड़ कर डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने जो है एक बड़ा सा जो है अदरक ले लिया है, उसको सारा का सारा ग्राइंडर करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है अदरक को ग्राइंड करना शुरू कर दिया है। आप चाहते तो इसको जो है काट कर भी डाल सकते थे, पर जो काट कर डालने से ज़्यादा जो है इसको अगर क्रश करके डाला जाए तो इसकी जो सारी पावर होती है पानी में घुल मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है ग्राइंड करके डालना ज़्यादा ज़रूरी और सही समझा। तो अच्छे से इसको जो है ग्राइंडर कर लेते हैं, और अब हम जो है पानी को उबालेंगे, बहुत डीपली उबालना है, और कम से कम जो 1 गिलास का आधा रह जाए और 2 गिलास का 1 या उससे आधा रह जाए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको उबालना है। और तीसरी इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सभी के घर में भी अवेलेबल रहती है, वो है हल्दी। यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ हल्दी डाली है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, ये भी गर्माहट देती है अंदर से, जो भी आपके रोगों से जो है लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करती है। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी जो है पिंच इसमें पिंच डाल दी है, और यहाँ पर पानी को गर्म करेंगे अच्छे से। तो कम से कम 10 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आधा पानी रह गया है। इसको अभी मैं 2 से 3 मिनट के लिए और जो है पकाऊंगी, और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, ठंडा करने के बाद, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है हमें, ऐसा करना है कि हल्का गुनगुना ही रहे। अगर आप सोते वक्त लेते हैं तो इसको थोड़ा सिप सिप करके भी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है हल्का सा गुनगुना करके पी सकते हैं। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इसमें जो है आप शहद का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप भी शहद डालना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही इसको जो है ले लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने शहद नहीं डाला है। अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।